वेलकम टू द चैनल आर वी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए लीग का जो मैच होने वाला है फिलाडेल्फिया वर्सेस मिलवॉकी बक्स के बीच में। दोनों टीम में अगर कंपैरिजन करो तो फिलाडेल्फिया अपने लास्ट के 5 में से एक ही मैच यहाँ पर लॉस हुई। मिलवॉकी बक्स रिसेंटली अपने 5 में से एक ही मैच यहाँ पर विन कर पाई है। लेकिन 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 फिलाडेल्फिया की तरफ से पहले सिमंस का यहाँ पर आता पता नहीं था, कहाँ गए कहाँ नहीं, और कोई यहाँ पर जो रिटर्न का टाइम है वो भी यहाँ पर कंफर्म नहीं। उनके पॉइंट गार्ड के इंपॉर्टेंट प्लेयर है हैरिस चाइनीज़ वायरस की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर बाहर हो चुके हैं कोविड-19 के वजह से, और उसी के साथ साथ एम्बिड वो भी क्वारंटीन हो गए। तो तीनों स्टार प्लेयर गार्ड फॉरवर्ड पावर फॉरवर्ड और सेंटर तीनों स्टार प्लेयर यहाँ पर आउट है। तो फिलाडेल्फिया इस मैच में बहुत ज़्यादा वीक है और मिलवॉकी बक्स आज का मैच यहाँ पर इजिली विन कर पाएंगी। अगर आप खेल रहे वन विन बेट्स एप्लीकेशन पर तो मिलवॉकी बक्स 100% यहाँ पर यह मैच विन करने वाले, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट मिलवॉकी बक्स पर रख सकते हो। इफ़ और अनलेस ये मैच थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर फिलाडेल्फिया की तरफ से एक दो प्लेयर ऐसे जो यहाँ पर मैच को क्लोज यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन विन करवाने की बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। बाकी बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट्स। वैसे यहाँ पर क्रेडिट का इशू तो कोई होने वाला नहीं, तो मैं आपको आज के मैच में यहाँ पर प्रीफर नहीं करूँगा। आप यहाँ पर विजिलेनम पर ही खेलें, इलेवन चैलेंजर्स पर ही खेलें, या फिर अदर एप्लीकेशन पर खेलें, चाहो आप चाहो जहाँ खेल सकते हो, क्योंकि क्रेडिट की कोई भी दिक्कतें इस मैच में होने वाली नहीं। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको वही ही मिल जाएंगी। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर। सबसे पहले फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया की तरफ से मैक्सी आपको स्टार्ट करते हुए देखेंगे। पॉइंट गार्ड से बॉल हैंडलिंग पास यहाँ पर असिस्ट रिसेंटली मैचेस में अच्छे खासे कर कर आ रहे। सेठ करी स्टार्ट करेंगे गार्ड से, वन ऑफ द बेस्ट गार्ड प्लेयर। कोरकुमाजा स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से, और सेंटर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एंड्रू डुमार और यूनिवर्सल पीपी आज के मैच में यहाँ पर होने वाले, और डिग्रीन स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड। अगर यहाँ से बात करें स्टार प्लेयर और इंपॉर्टेंट प्लेयर तो डिग्रीन और करी इन दोनों को छोड़कर बाकी जो तीनों प्लेयर है ये इनके यहाँ पर बैंच स्ट्रेंथ थी और इनको यहाँ पर करना पड़ रहा है स्टार्ट। रीज़न है इनके यहाँ पर स्टार प्लेयर वो खेल नहीं रहे ऑलरेडी। यहाँ पर हैरिस जो कि पावर फॉरवर्ड के वन ऑफ द बेस्ट पिक थे, रिबाउंड प्लस यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट देते थे, वो कोविड-19 की वजह से आउट है। एम्बिड जो कि यहाँ पर सेंटर के प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग टीम में थी सेंटर और फॉरवर्ड से, लेकिन दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर आउट है। और सिमंस इनके यहाँ पर पॉइंट गार्ड के नंबर वन प्लेयर थे, तो ये यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर अभी तक इस सीज़न में खेले ही नहीं है। कोई इंजरी न्यूज़ नहीं, कोई है यहाँ पर हेल्थ प्रोटोकॉल नहीं, पर्सनल इशू की वजह से बाहर है। बाकी कब वापस आएंगे, कब रिटर्न आएंगे, कब खेलेंगे, इसका कुछ आता पता नहीं है। अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर बात करूँ तो एंड्रू डुमार वन ऑफ द बेस्ट पिक। लास्ट मैच में आप अगर आपने देखा होगा तो रिबाउंड बहुत ज़्यादा कलेक्ट इन्होंने किए। रिस्क लेना पसंद है तो जेल में आप ही नहीं एसपी भी ट्राई कर सकते हो। करकुमाजा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डिग्रीन इनको थोड़ा सा अवॉइड कर चले जाना, डिफेंसिवली ज़्यादा यहाँ पर प्रीफर करते। करी स्मॉल लेग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर, और मैक्सी फिर से वन ऑफ द बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे स्मॉल लेग के लिए। अकॉर्डिंग टू बॉल हैंडलिंग का काम संभालते, रिबाउंड थोड़े से यहाँ पर रिबाउंड भी कलेक्ट कर लेते, और असिस्ट हर मैच में आपको 5+ असिस्ट देंगे जो कि यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर काम करेंगे यहाँ पर पॉइंट शूट का भी। तो एक बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर क्रेडिट से, और वैसे क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल यहाँ पर करी गार्ड से ऑफेंसिव चार्ज हैंडल में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल रहेगा। करकुमाजा का लास्ट मैच बेस्ट का है, फील्ड गोल से बहुत ज़्यादा शॉट्स उन्होंने ट्राई किए थे। मैक्सी का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देख सकते हो, बेस्ट आया था। उसी के साथ साथ 5 असिस्ट 9 रिबाउंड और 16.2 स्टील और एक ब्लॉक भी इनकी तरफ से आया था। लेकिन एंड्रू डुमार 25 रिबाउंड बहुत ज़्यादा होते, 14 पॉइंट, तो इस प्लेयर ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था लास्ट मैच में। वैसे भी यहाँ पर एंड्रू डुमार लास्ट सीजन में लॉस एंजल क्लिपर्स की तरफ से एज अ स्टार्टर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इस टीम के साथ ऐड हुए थे, और बेस्ट परफॉर्मेंस उस टीम के साथ भी इन्होंने दिया था। ग्रीन थोड़े से डिफेंसिवली खेलते, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो जीएल में। बाकी स्मॉल लिंग में थोड़े से यहाँ पर रिस्की पिक क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो स्मॉल लिंग में एज अ पेंट पिक। प्लस यहाँ पर इन्हें ट्राई कर सकते हो आप जीएल में, सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम क्योंकि यहाँ पर यह प्लेयर डिफेंसिवली ज़्यादा खेलता है। अगर इस टीम की तरफ से बैंच स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बैंच से भी कुछ इतने बेटर प्लेयर अवेलेबल नहीं। जॉर्ज निंग जो कि यहाँ पर खेलेंगे एज अ बैंच प्लेयर, बाकी स्टार्टर तो थोड़े से ठीक ठाक है, लेकिन बैंच से बहुत ज़्यादा मतलब एक आप यहाँ पर लो क्लास लेवल यहाँ से कह सकते हो, और इजीली यहाँ पर ये टीम आज का मैच यहाँ पर मुझे लगता है लॉस हो सकती है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, मिल्टन और उसी के साथ साथ जॉर्ज निंग ये दोनों इनके फिलहाल यहाँ पर बेस्ट बैंच प्लेयर है।
इन दोनों को ट्राई करना है जीएल में। बाकी यहाँ पर हेनरी और रेडी, इनके पास अदर जो दो प्लेयर अवेलेबल है जिनके यहाँ पर कभी भी टाइम दिया जा सकता है और कभी भी टाइम दिया नहीं जा सकता, तो उन्हें आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ अदर यहाँ से बताने जैसा नहीं है, जॉर्जनिंग को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग के लिए अदर जो प्लेयर है तो बहुत ज़्यादा रिस्की। और मिल्टन, इनके यहाँ पर स्मॉल लीग में भी आप यहाँ पर अगर आप 6 मेंबर खेल रहे हो जहाँ पर एक विनर होता है, तो यहाँ पर मिल्टन को डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर उस लीग में ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज जीएल के लिए आपके लिए बेटर पिक यहाँ से मिल जाएंगे। बिलोंग बॉक्स क्लियर है, आज का मैच विन कर लेंगे। हॉलीडे इनकी तरफ से पॉनगा से स्टार्ट करेंगे, इंजरी से बैक हो चुके हो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जॉर्ज एलिन इनके वन ऑफ द बेस्ट गार्ड प्लेयर है, रिसेंटली मैचेस में इन्होंने अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अदर यहाँ से अगर बात करो तो यहाँ पर योनी स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से, और यहाँ से आपको स्टार्ट करते देखेंगे पोर्टिस, ये इनकी स्ट्रेंथ है। ये चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें स्मॉल लीग में लेकर जा सकते हो। और अदर जो फिफ्थ स्टार्टर है, इन्हें आप यहाँ पर जेल में ट्राई करना, लेकिन जेल में भी ज़्यादा इनको मैं प्रीफर करूँगा नहीं, फिर भी आप इन्हें जेल में ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग के लिए ये जो प्लेयर है तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट हिली। बाकी ये जो चारों है इन्हें आप स्मॉल लीग में डिफॉल्ट पिक कर सकते हो, और ऑलमोस्ट सबके पास यहाँ पर होने वाला है। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, यानी जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल एसपी होने वाले, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। अलिंग का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बेस्ट, जॉर्ज हिल के लिए कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था लास्ट मैच है, लेकिन पोर्टिस लास्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। हॉलीडे लास्ट मैच में उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ये प्लेयर बेस्ट है, फील्ड गोल से बहुत ज़्यादा शॉट्स इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। प्लस ये प्लेयर बॉल हैंडलिंग का काम संभालेंगे, आपको ऑसिस से अच्छे खासे पॉइंट देंगे, लेकिन इस प्लेयर की स्ट्रेंथ भी स्टिल, हर मैच में आपको एक दो स्टिल यहाँ पर ये प्लेयर देख कर ही देगा। अलिंग का सेकंड मैच भी बेस्ट गया था, उसी के साथ साथ योनिस ठीक ठाक रहा था, कॉन्टन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, जॉर्ज हिल यहाँ पर भी एवरेज रहे थे। बाकी यहाँ पर एंटिकिनोमो से स्टार्ट किया गया था लास्ट मैच सेकंड मैच में, लेकिन लास्ट मैच में उसी स्टार्टर से आए थे हिल के साथ, यहाँ पर ये इन्होंने स्टार्ट किया था। और जो इनकी यहाँ पर बैंक स्ट्रेंथ है जिसमें से यहाँ पर कॉन्टोंग वन ऑफ द बेस्ट पिक है, आप इन्हें जेल में प्रीफर कर सकते हो। ओजेला नवरा उसी के साथ साथ रॉबिन्सन और एंटिकोनोमो, ये अदर के जो प्लेयर बैंक प्लेयर है, मैच वन साइडेड होगा तो इन्हें टाइम दिया जा सकता है, तो आप इन्हें जेल में प्रीफर कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में ज़्यादा इनको मैं प्रीफर करूंगा नहीं, बाकी सभी जो लोग हैं स्मॉल लीग में तो स्टार्टर के साथ ही जाने वाले हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर बात करूंगा ड्रीम इलेवन टीम, तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है क्रेडिट का। हॉलीडे पॉइंट गार्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्विक, मैक्सी जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, करियो के पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, अलिन गार्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्विक, फिर से करकुमगजा जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 10 क्रेडिट के प्लेयर है। फॉर फॉरवर्ड से योनिस यूनिवर्सल एसपी होने वाले, एंड्रू डिमर यूनिवर्सल पीपी होने वाले। पोर्टिस का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा था, ये मेरी जो ड्रीम इलेवन टीम है ऑलमोस्ट फाइनल है, कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं। अगर अनएक्सपेक्टेड लाइनअप में चेंजेस हुए तो फिर फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, अदरवाइज ये टीम सेव करके रखना, मैं आपको यहाँ पर फाइनल न्यूज़ दे दूंगा। और इसी टीम के साथ आप यहाँ पर जा सकते हो, और मैं भी अभी बता देता हूँ, ये टीम थोड़ी सी क्लैश टीम भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई चांस लेने के यहाँ पर जो मुझे नहीं लगता यहाँ पर रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क लेने जैसे कोई अदर प्लेयर नहीं है भी। तो इस टीम के साथ चले जाना, थोड़ा सा क्लैश आपको यहाँ पर पसंद का थोड़ा सा क्लैश भी आपको फेस करना पड़ेगा। ये मेरी फाइनल टीम है, कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं, कोई चेंजेस हुए तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। होप गाइस वीडियो पसंद आएंगे, उसी के साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।